हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। बच्चों, यहाँ पे जो आज इस टॉपिक पे जो वीडियोस बन रही हैं या इस चैप्टर पे जो वीडियोस बन रही हैं बहुत छोटी छोटी बन रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं अगर वीडियो की लेंथ लंबी कर दी जाए। कॉन्सेप्ट तो मैं इसमें एक वीडियो में दो तीन भी ऐड कर सकता हूँ, बट उससे क्या होगा, आपको वीडियो जो है वो बोरिंग लगने लगेगी और कॉन्सेप्ट भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं, चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर और उसके कंपोनेंट। इसके ऊपर बात करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या कहते हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई थोड़ा बेसिक से आ जाते हैं, एकदम बेसिक शुरुआत से आ जाते हैं कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सम टोटल ऑफ, यानी जितना भी हमारा सप्लाई हो रही है उसको एडिशन कर देंगे। सप्लाई का मतलब होता है क्या चीज, किस चीज की सप्लाई करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। तो या और गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है ना। हमारे जो भी इकोनॉमी में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो वही चीज यहाँ पे है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी में या हमारी इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूसर है वो टोटल किस क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, वो टोटल सप्लाई मेरी क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, अब चलिए इसके थोड़े से डेफिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। इट रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, इट रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कराते हैं। फ्लो कराने का मतलब सप्लाई कराना, बेचना या मार्केट में अवेलेबल कराना। तो यहाँ पे फ्लो का मतलब हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर एज अ प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर, क्या चीज है, प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि हमारे पूरे अकाउंटिंग ईयर में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो भी मेरा प्रोड्यूसर है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर प्लान्ड मैनर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करा रहा है। प्लान्ड मैनर का मतलब क्या हो गया, वो यहाँ पे प्लान कर रहा है कि इस अकाउंटिंग ईयर में मैं इतने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल करा दूं। जैसे याद करिए, मैंने लास्ट वीडियो में एग्रीगेट डिमांड वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो पहले एक बार उसको देख लीजिए, कि एग्रीगेट डिमांड में क्या बताया था, प्लैंड एक्सपेंडिचर होता था, अजम्पशन करते थे कि इतना खर्चा हम करेंगे। उसी तरह मेरी एग्रीगेट सप्लाई में भी होता है कि यहाँ पे भी हम प्लान आउट करते हैं कि हम इतना खर्चा करें, इतनी गुड्स की सप्लाई करेंगे या इतनी सर्विसेज की सप्लाई करेंगे। क्योंकि जब मेरा एक हाउस होल्ड प्लान कर सकता है तो प्रोड्यूसर भी तो प्लान कर सकता है ना। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म होगा तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या होगा, अचानक से भीड़ बढ़ेगी, सबको ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, जॉब भी बहुत सारी आएंगी, इनकम भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो क्या होगा, जब इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि यार लोग डिमांड तो करेंगे ही, तो पहले से बना के क्यों ना रख लिया जाए। तो वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है इट रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में मेरा जो प्रोड्यूसर है पूरे साल में जितना भी प्लान कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई मेरी कहलाती है एग्रीगेट सप्लाई। बात समझ में आ गई। दूसरा, इट इज अ फ्लो ऑफ इनकम, मतलब ये जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई है ये मेरी आइडेंटिकल होती है विद द फ्लो ऑफ इनकम। यानी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक ही चीज है, यानी कि हम लोग इसको y is equal to as भी लिख सकते हैं। y refers to the income and as refers to the aggregate supply। तो क्योंकि मेरी aggregate supply मेरे income से identical है, क्योंकि सब जितनी supply करोगे उतनी तो income मिलेगी। आपने 10 goods बेचे, 10 goods का पैसा आएगा। आपने 100 goods बेचे, 100 का पैसा आएगा। आपने दो लोगों को service दी, दो लोगों से पैसा आएगा। तो यहाँ पे आप जितनी सप्लाई करोगे गुड्स एंड सर्विसेज की उतनी तो इनकम अर्न कर पाओगे।
तो जितनी सप्लाई करी है उतनी इनकम अर्न कर ली। अगर आपने 20 रुपए की सप्लाई करी गुड्स की तो 20 रुपए की इनकम हो जाएगी, अगर आपने 50 रुपए के गुड्स बेचे तो 50 रुपए इनकम हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू के आपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल कराए हैं उतनी ही इनकम आपको मिलेगी। इसी वजह से यहाँ पे मेरा जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आइडेंटिकल होता है फ्लो ऑफ इनकम के, यानी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों चीजें यहाँ पे एक ही है। तो चाहे आप इसको वाई लिखें या आप इसको एएस लिखें, बात एक ही है। ठीक, नेक्स्ट, एएस एंड वाई देयरफॉर मे बी ट्रीटेड एज एन आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसा मैंने अभी बताया कि एएस और वाई जो है उन दोनों को हम आइडेंटिकली मानेंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, क्या होता है आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम है इन दोनों को हम सेम ही कंसीडर करेंगे कि दोनों चीजें मेरे लिए एक ही है, दोनों जुड़वा भाई है, चाहे एस कह लो चाहे वाई कह लो, बात एक ही है। तीसरी चीज, जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई है वो आइडेंटिकल है जीडीपी के लिए, क्योंकि सप्लाई का मतलब क्या हो गया, जितने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोड्यूस हो रहे होंगे उतनी तो सप्लाई होगी, और जीडीपी का मतलब क्या होता है, जितने गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सप्लाई में भी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, जीडीपी में भी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जीडीपी के इक्वल भी होती है। तो इसको हम लोग वाई इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू जीडीपी भी कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू द as इज इक्वल टू द जीडीपी, क्योंकि इन तीनों ही चीजों में मेरे प्रोडक्शन की बात होती है और वो प्रोडक्शन किस चीज का है, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक, इट इज इंडिकेटेड बाय अ 45 डिग्री लाइन, मतलब यहाँ पे जो ये y का ग्राफ होता है ना, y की जो लाइन होती है, ये as की जो लाइन होती है, ये 45 डिग्री की होती है। क्यों 45 डिग्री की होती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एक दोनों के आइडेंटिकल है, सब कुछ सेम है, सेम होने की वजह से इनका जो इंक्रीमेंट होता है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, और जब वो कांस्टेंट हो जाता है तो क्लाइंट ग्राफ जो है वो 45 डिग्री से अपवर्ड होता है। बात समझ में आ गई। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एएस के कंपोनेंट की। जैसे मेरे एडी के कंपोनेंट है सी और आई, उसी तरह से मेरे एएस के भी कंपोनेंट है। एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, एएस की कंपोनेंट क्या है, सी प्लस एस। सी का मतलब हो गया कंजप्शन और एस का मतलब हो गया सेविंग, यानी कि आप जो भी इनकम अर्न करोगे, ये मैं जो भी पैसा कमाता हूँ वो मैं कहाँ खर्चा करता हूँ, या तो मैं कंज्यूम कर लेता हूँ या तो मैं उसको सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ, तो भी काम करता हूँ मैं। आपने कोई पैसा कमाया तो उस पैसे का आप क्या करोगे, कपड़े ले आओगे, व्हीकल खरीद लोगे, होम अप्लायंसेस खरीद लोगे, खाना पीना खा लोगे, घूम लोगे, पेट्रोल डला लोगे, रिचार्ज कर लोगे, घूम लोगे, घुमा लोगे, ठीक है, ये सारी चीजें करोगे। तो ये सारी चीजें क्या है, कंजप्शन ही तो है, आप सारी चीजें कंज्यूम ही तो कर रहे हो। तो आपने अपनी इनकम का पार्ट खर्चा किया कंजप्शन पे, जो पार्ट बच जाता है उसको हम डाल देते हैं सेविंग पे, कि सेविंग में डाल दिया इसको पैसा हमने सेव कर दिया। तो मेरे इनकम के अब यहाँ पे चाहे इसको एएस कह लो या इनकम कह लो, तो एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस या वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी जो भी हम कमाई करेंगे उस कमाई से या तो हम कंजप्शन करेंगे और या तो हम, बात समझ में आ गई। अब जैसा मैंने बोला कि जो वाई और एएस है दोनों सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों के जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनके जो शेड्यूल होगा वो भी डिजिट्स एक ही होगी। कैसे एक होगी, वाई जीरो एएस जीरो, वाई ट्वेंटी एएस ट्वेंटी, वाई फोर्टी एएस फोर्टी, वाई सिक्सटी एएस सिक्सटी, Y80 AS80, Y100 AS100, Y120 AS120। यानी Y और AS दोनों आइडेंटिकल है, इस वजह से दोनों के जो नंबर्स होंगे या फिगर्स होंगे वो भी आइडेंटिकल ही होंगे और दोनों का एक ही ग्राफ बनेगा। भाई एक ही चीज है यार, चाहे Y बोलो चाहे AS बोलो, एक ही बात तो है, तो ग्राफ भी मेरा यहाँ पे एक ही बनेगा। ठीक, एग्रीगेट सप्लाई में आपको C और S अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन AS ही होता है और Y और AS सेम होने की वजह से हमें इन्हें अलग अलग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे AD में हम लोग C और I अलग अलग बनाते थे ना, बट वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती थी, बट यहाँ पे सेविंग के साथ ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो कांस्टेंट होगी, सेविंग मेरी कम ज्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन। इसी वजह से AS में या इनकम में, इनकम में हम कभी भी ये तो बताते नहीं है। अगर आपसे कोई ये पूछे कितना कमाते हो, मैं ये मान के चलिए 10,000 रुपए खाने में खर्चा कर देता हूँ,
और 5,000 की सेविंग कर देता हूँ। ये तो नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो? 15,000 कमाते हैं। अब उस 15,000 में हम चाहे 10,000 खा ले या 10,000 सेव कर ले, वो मेरी मर्जी होगी। तो यहाँ पे भी ये जो पूरा शेड्यूल है, ये पूरा शेड्यूल मेरा अजम्पटिव होगा या प्लान्ड मैनर में होगा, और प्लान्ड मैनर में होने की वजह से हम जो फिगर चाहे वो यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सी और एस का ग्राफ अभी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सी और एस का ग्राफ समझाने के लिए पूरा इसका एक फंक्शन है। सी और एस के ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक फंक्शन बनाया गया है, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। तो ये ग्राफ मैं आपको वहां डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि y और as मेरे सेम होते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ एक ही ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत। तो आज का टॉपिक था हमारा एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें हमने एग्रीगेट सप्लाई पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका शेड्यूल पढ़ा, उसका कर्व पढ़ा, उसके आइडेंटिकल टर्म्स पढ़े और उसकी लाइन का एंगल पढ़ा। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू क्लास।